हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। एक बार फिर हाजिर हूँ 69 हज़ार शिक्षक भर्ती से संबंधित एक नई वीडियो लेकर। जी हाँ, 69 हज़ार शिक्षक भर्ती संबंधित 19 मार्च की लेटेस्ट अपडेट है। पीएनपी की सचिव बदली गई। जी हाँ, सुप्ता सिंह की वापसी हुई है। अब इनकी कहानी हम आपको अभी बताएंगे। अब नया ड्रामा शुरू। बीएड वालों में खौफ है। पीएनपी का बयान जारी हुआ, क्या कहा लोगों ने, देखिए। सुप्ता सिंह की वापसी हो गई है। सुप्ता सिंह के बारे में अगर आप लोग सभी जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो इनका इतिहास हम थोड़ा सा आपको ज़रूर जानना चाहिए। इनके बारे में, इनकी काली करतूतों के बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इनकी थोड़ी सी काली करतूतों को। अब देखिए इनकी काली करतूतों का खजाना। 68,500 शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी पर योगी सरकार ने सचिव सुप्ता सिंह को किया निलंबित। जांच कमेटी गठित। ये हैं महारानी सुप्ता सिंह। देखिए, 68,500 में शिक्षक भर्ती में बड़ी गड़बड़ी करने के आरोप में योगी सरकार ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी सुप्ता सिंह को निलंबित कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है। लखनऊ उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग 68,500 सहायक शिक्षकों की भर्ती की गड़बड़ी करने के आरोप में योगी सरकार ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी सुप्ता सिंह को निलंबित कर दिया है। योगी सरकार के आदेश पर इस गड़बड़ी के मामले में संजय आर भूसर रेड्डी द्वारा जांच कमेटी का भी गठन किया गया है। सचिव सुप्ता सिंह के स्थान पर रूबी सिंह को नया बेसिक शिक्षा परिषद सचिव बना दिया गया है। यूपी के शिक्षा विभाग में 68,500 पदों पर सहायक भर्ती में 41,556 का चयन हुआ था, लेकिन लिखित परीक्षा के परिणाम में सचिव सुप्ता सिंह ने कई गलतियां की, जिसमें कुछ फेल छात्रों को अंक बढ़ा दिए गए थे और कुछ अभ्यर्थियों को बिना परीक्षा दिए ही पास कर दिया गया था। जैसे ही इनकी जानकारी योगी को लगी, उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए इनको हटाकर रूबी सिंह को बना दिया गया था। लेकिन अब देखिए क्या हुआ था इनकी कहानी। देखिए, 2 अंक पाने वाले गोरखपुर के अरुण कुमार को देवरिया में नियुक्त किया गया। 5 अंक पाने वाले महाराजगंज के निजाम हुसैन को महाराजगंज में नियुक्ति मिली। 54 अंक पाने वाले इटावा के संजय कुमार को मैनपुरी में नियुक्ति मिली। 41 अंक पाने वाले अलीगढ़ के बीना को अलीगढ़ में नियुक्ति मिली। 19 अंक पाने वाले बांकी की दीप कला को बाराबांकी में। 62 अंक पाने वाले पूजा को सीतापुर में। इसी तरह ढेर सारी लंबी लिस्ट थी जो कि सुप्ता सिंह के काले कारनामों का बयान करती थी। तो अब इनका देखिए अब क्या है। बीएड वालों में खौफ इसलिए है कि इतनी धांधली पिछली बार हुई थी, तो अब क्या होगा, क्योंकि अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया है। सबसे बड़ी समस्या ये है, अभी अपने हिसाब से फेरबदल कर सकती हैं रिजल्ट में। अब दूसरी बात ये है कि योगी सरकार ने किस बेस पे इनको नियुक्त किया है, अब वही जानते हैं। योगी सरकार लगता है नहीं चाहती कि ये भर्ती फेयर हो, इसलिए सुप्ता सिंह की वापसी हुई है। अगर आपने एक अधिकारी को हटाया है किसी कारण से, किसी धांधली कारण से, आप उसी दूसरे भर्ती पे आपने उनको फिर बुला दिया, वो भी रिजल्ट जारी करने के लिए, जिसके रिजल्ट पे पिछली बार सवाल उठाए गए थे। तो ये सवाल सिर्फ सुप्ता सिंह पे नहीं, ये सवाल अब सरकार पे भी लगने शुरू हो जाएंगे। अब ड्रामा शुरू हुआ है। बीएड वाले बेचारे डर गए हैं, क्योंकि अब ये सरकार क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है, इनके काफ़ी ज़्यादा पोस्ट इस समय चल रही हैं, खासकर बेरोजगारी से संबंधित। अब इतना मेहनत करने के बाद एक अभ्यर्थी 2 साल से फंस जाता है किसी भर्ती प्रक्रिया में। अब सभी को पता है कि 68,500 को अनिश्चितकालीन के लिए फंसा दिए गए हैं, और वही खेल सरकार 69,000 में भी लग रहा है करना चाहती है। अब बीएनपी की ओर से ये बयान लग रहा है कि करीब 2 लाख अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा और उनको जो है आगे की प्रोसेस में बुलाया जाएगा। तो आप 69,000 शिक्षक भर्ती में 2 लाख अभ्यर्थी को बुलाने, तो 90-95 में आपका किस हिसाब से फॉलो होगा, ये हमें बता दें बस सुप्ता सिंह जी। और इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर आप किसी भी हालत में आप 90 और आप 97 कट ऑफ आप रखते हैं, इस हिसाब से किसी भी हालत में आपके 2 लाख अभ्यर्थी पास नहीं हो सकते हैं। 4 लाख में आप इतना जान लीजिए,
ये कुछ कुल मिला के अब सोची समझी साजिश है। सरकार क्या चाहती है ये किसी को नहीं पता, लेकिन सरकार के यहाँ दो मुहा रीत अपना रही है, दो तरफ। एक तरफ वो चाह रही है कि शिक्षा मित्र के भी वोट मिल जाएं, और एक तरफ वो चाह रहे बीएड वालों को पक्ष दिखा के, हमदर्दी दिखा के, वो चाह रहे कि बीएड वालों को भी वोट मिल जाए। तो सरकार का इरादा, सरकार के इरादे नेक नहीं समझ में आ रहे हैं, ये आप सभी को भी अब समझ में आने लगे होंगे। तो अब सुप्ता सिंह की वापसी के बाद क्या होगा आगे की, जब इनका कुछ बयान जारी होगा। अभी फिलहाल 2 लाख वाला बयान जारी हुआ है, आगे क्या बयान जारी होता है उस पर हम कोई भी अपडेट देंगे। अभी फिलहाल आप सभी को होली के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। होली मनाइए, एंजॉय करिए, और सुप्ता सिंह के पटाखे की उम्मीद होली में आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।